Hey guys, welcome to T-Vlog and आज एक ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ, आज मैं एक वीडियो कर रहा हूँ जिसका नाम है Q&A। जी हाँ, मैं Q&A कर रहा हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था और मैंने बोला था कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपने पूछे तो मैं ट्राई करूंगा आंसर करने का, अगर नहीं पूछा या कहीं और पूछा तो मैं आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम सॉर्ट ऑफ Q&A है ये, तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम से ही क्वेश्चन आने चाहिए ना। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरु जी तनिष्का राजपूत पूछ रही है, अगर आपको अपनी लाइफ किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से चेंज करनी हो तो आप किससे करेंगे एंड क्यों? अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली रणवीर सिंह से करूंगा, बिकॉज आई एडमायर दैट गाय, आई लव हिज कॉन्फिडेंस, आई लव हिज फैशन सेंस एंड ही रिसेंटली मैरिड टू दीपिका पादुकोण, सो डेफिनेटली इट हैज टू बी रणवीर सिंह। सोमेजीत विश्वास पूछते हैं, इफ सडनली वन डे यू वेक अप एंड सॉ दैट यूट्यूब इज ओवर, देन व्हाट विल बी योर रिएक्शन एंड व्हाट विल यू डू इन फ्यूचर? बाय द वे लव योर व्लॉग्स, थैंक यू सो मच ब्रदर। अगर यूट्यूब बंद हो जाता है तो डेफिनेटली मेरी फट जाएगी, लेकिन देन आई विल काम माई सेल्फ और फिर मैं सोचूंगा कि मैं किस किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकता हूँ वीडियोस, किस किस प्लेटफॉर्म पे आपसे मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो देयर हैज टू बी डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि लाइक इज देयर, लाइक ऐप इज देयर, मैं लाइक ऐप पे अपलोड करूंगा और आई विल अपलोड इट ऑन माय इंस्टाग्राम IGTV पे। मीरा अंडरस्कोर ESTP ने पूछा है, आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है, इंस्टा यूट्यूब लाइक और पर्सनल लाइफ भी है, एंजॉय करते हो नैना की शादी, कैसे मैनेज करते हो, ऊपर से इतने एक्टिव? आई हैव अ रेगुलर जॉब ऑल्सो, तो मैं 5 दिन वहां पे काम करता हूँ, देन सैटरडे संडे मुझे टाइम मिलता है, तो मैं जो व्लॉग्स करता हूँ वो मैं सैटरडे संडे को ही करता हूँ। आई नो इट इज वेरी स्ट्रेंज कि कैसे, मतलब कैसा मेरा स्केड्यूल होता है, मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन सैटरडे संडे मैं व्लॉग करता हूँ यूजुअली, एंड देन ट्यूजडे नाइट सुबह 3 बजे तक मैं एडिट करता हूँ वेडनेसडे वाला व्लॉग, एंड जो संडे वाला व्लॉग आना होता है वो मैं फ्राइडे को सुबह मतलब 4 बजे तक एडिट करता हूँ। और अगर सैटरडे को मेरे पास कुछ काम नहीं होता, अगर मैं व्लॉग नहीं कर रहा हूं, तो मैं सैटरडे को अपने इंस्टाग्राम लाइक के वीडियोस और ये सब मैनेज करता हूं। तो दिस इज हाउ आई मैनेज एवरीथिंग। इट इज वेरी डिफिकल्ट, समटाइम्स आई फील कि यार 24 घंटे की जगह मतलब 36 घंटे होने चाहिए तो काफी अच्छा होता। पीयूष वेरीफाइड ने एक रैपिड फायर डाला है, तो लेट्स गो विद दिस रैपिड फायर। तो पहला है नैना और नेहा, ओ मुझे चूज करना है अपने फ्रेंड में से। तो सी पीयूष, देखो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि सारे फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत ही अनमोल है, मेरे सारे अनमोल रतन, तो मेरे लिए सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये जो रैपिड फायर है इसको मैं आंसर करूंगा इन अ वे कि मैं किससे पहले मिला, किस फ्रेंड से पहले मिला एंड कौन मेरा फ्रेंड पहले से है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहला है नैना और नेहा, नैना, परम और पंकज, परम, खुशी और ऐश्वर्या, खुशी, सौनित और निलेश, निलेश। संजना 2003 ने पूछा है, एक्चुअली आई एम अ सो कॉल्ड कूल फैन, व्हेन आर यू गोइंग टू एक्ट इन अ मूवी? आई डोंट नो अबाउट द मूवी पार्ट, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है वो। आई कैन डेफिनेटली ऑडिशन फॉर सम मूवी दैट आई Do I want to do some movies? Yes, I definitely want to do some movies. और देखते यार कब होता है, आई एम नॉट श्योर, मे बी नेक्स्ट ईयर यानी कि 2019 में, आई एम नॉट श्योर, बट डेफिनेटली यू विल सी मी इन मूवीज सम डेज। जयंत नेगी ने पूछा है, when we will get a chance to meet you in फरीदाबाद meet and greet? हाँ, I know, मैंने इसके बारे में पहले बात करी थी कि मैं निलेश के साथ एक meet and greet करूंगा और मैं उसके बारे में भूल ही गया। आई एम रियली सॉरी, बट डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर करते हैं, पक्का ब्रो करते हैं, मिलते हैं। सैम एस डिसूजा ने पूछा है, ब्रो गुड वाइब्स वाला मास्क ऑर्डर किया, जब वो फेस पे लगाया उसके बाद से मेरी स्किन ड्राई सी हो गई है बहुत, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? प्लीज लेट मी नो। सैम, जब भी आप वो मास्क लगाते हैं तो फर्स्ट थिंग आपको पहले अपना मुंह पूरा मॉइस्चराइज करना है, यानी कि पानी से भिगाना है, देन आपको मास्क लगाना है, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद सूख जाता है। जब आप वो मास्क लगाए आपको बातें नहीं करनी, जैसे कि मैं कर रहा था, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लग रहा था, लेकिन आपको बातें नहीं करनी होती, उसके बाद वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, फिर जाके आप धो लीजिए और उसके बाद एक मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। दिस इज द एक्चुअल रूटीन, अगर आपने फॉलो किया है तो आपका बिल्कुल सही हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो मे बी ड्राइनेस हो गई होगी या आपकी स्किन बहुत ड्राई होगी उस वजह से हो गया होगा, तो डेफिनेटली गो फॉर सम मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर भी लगाइए, ओके? बिलाल शायक, हम आपको टीवी पर कब देखेंगे? वैसे तो आप इस साल ही देख लेते क्योंकि मेरे को 2 एड्स ऑफर हुए थे, लेकिन नहीं कर पाया, आई स्टिल रिग्रेट दोस, लेकिन आप डेफिनेटली 2019 में मुझे देखने वाले हैं, दैट्स माय प्रॉमिस। जयंत भटनागर ने बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर व्लॉग्स आर ऑसम, थैंक यू सो मच, आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान अबाउट योर वीडियोस एंड योर करियर एंड विल यू डू योर जॉब और विल गो फॉर स्टडी लाइक MBA और स्टफ। जयंत, आंसरिंग योर क्वेश्चन अबाउट द वीडियो पार्ट, सो डेफिनेटली मैं व्लॉग्स चैनल पे कंटिन्यू करूंगा और ट्रैवल करूंगा और अमेजिंग व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूंगा और मेन चैनल पे भी वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगा, मे बी जनवरी से या फेब से, जनवरी से वैसे मैं सोच रहा था लेकिन अभी बहुत सारा काम है, तो देखते हैं जनवरी में आती है फेब में आती है। एंड अबाउट माय करियर, आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर फर्दर स्टडीज, मैं और पढ़ना नहीं चाहता आगे। एंड अबाउट माय जॉब, मे बी नेक्स्ट ईयर आई क्विट माय जॉब एंड आई डू समथिंग रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मे बी अ टेलीविजन शो, रियलिटी शो, अ मूवी, आई डोंट नो,
I'm still figuring out. Prachi Rawat ne pucha, which app you use to edit your vlog? So Prachi, I don't use any app. I use Premiere Pro, which is a software, और मैं उसी में edit करता हूँ. बाकी जो मेरे like के videos होते हैं, वो तो like पे ही हो जाते हैं. जो मैं Instagram पे डालता हूँ, उनको मैं अगर trim करना होता है या मुझे background add करना होता है, वो मैं InShot app से करता हूँ. Suhani 24, भैया when are you coming to Lucknow? तो ये question मुझे बहुत लोगों ने पूछा है. सिर्फ लखनऊ के लोगों ने नहीं, मुझे हैदराबाद के लोगों ने पूछा मैं हैदराबाद कब आ रहा हूँ, कोलकाता के लोगों ने पूछा कोलकाता कब आ रहा हूँ. सो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर मैं लखनऊ, हैदराबाद या कोलकाता में से एक जगह जाऊँ या फिर तीनों जगह जाऊँ, आई एम नॉट श्योर. लेकिन जहाँ भी जाऊँगा मैं आपको डेफिनेटली एडवांस में बताऊंगा एक वीक पहले, ताकि मैं वहाँ पे मीट एंड ग्रीट कर सकूँ छोटा सा और आप लोग आके मेरे से मिल सके. ए बी मगर का क्वेश्चन है, व्हेन विल यू एंगेज्ड, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, बाय द वे लव योर व्लॉग्स, स्टे कनेक्टेड विद ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच ए बी मगर, आपका क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ. और मेरा आंसर है कि मैं अभी एंगेज, ये मैं थोड़ा सरप्राइज रखूंगा. डू आई हैव अ गर्लफ्रेंड? नो, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, बट आई डू लाइक समवन. इस बारी के आस्क दक्ष में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन उसमें से दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफी लोगों ने पूछे. तो पहला क्वेश्चन था कि आप शादी कब कर रहे हो. आई नो मेरे सारे फ्रेंड्स शादी कर रहे हैं, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर मेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो जाएगी, लेकिन मेरी शादी में अभी 3-4 साल है, क्योंकि मुझे कुछ चीजें अचीव करनी है, और जब तक मैं नहीं कर लेता वो अचीव, तब तक मैं शादी नहीं करने वाला. दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया था वो है ये. तो इस टॉपिक के बारे में सबको बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है. पहली चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि खुशी, मेरे, ऐश्वर्या, रविंदर, निलेश, आशुतोष, हम लोग का इक्वेशन अच्छा है. हम लोग कभी कभार एक दूसरे से बात भी करते हैं. हम लोग के बीच में कोई भसड़ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है. तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ. सेकंड थिंग जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लव और मेरी जो लड़ाई नहीं बोलूंगा, जो हमारे बीच में जो गैप आ गया है, वो खुशी की वजह से बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि काफी लोग ये सोच रहे हैं कि खुशी ने चैनल छोड़ा तो मैंने खुशी को चूज कर लिया एंड निलेश ने लव को चूज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है. बॉस, ये बिल्कुल भी नहीं है. मेरा और लव का जो फ्यूड थोड़ा बहुत चल रहा है, वो उसका रीजन कुछ और है, और मैं इसका पूरा एग्जैक्ट चीज आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन. मैंने ज्यादा कि लव को हेट आए या फिर मुझे हेट आए या फिर हमारे बीच में भी दो गैंग्स बढ़ जाए कि लव का गैंग, दक्ष का गैंग, नहीं, ऐसा नहीं चाहता मैं. बस छोटी सी बात है कि जब दो लोग होते हैं तो दोनों लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, दोनों लोगों की डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं. कुछ की प्रायोरिटी होती है मनी, कुछ की प्रायोरिटी होती है फ्रेंडशिप. तो वैसे ही हम दोनों की प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग है लाइफ में, और इसीलिए हम लोग एक पाथ पे नहीं है. फॉर नाउ मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा, एंड बाकी सब बढ़िया है यार. मतलब वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, और बाकी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी बात नहीं करते. ऑल दो मैंने हमेशा ये चीज सीखी है कि आप अगर किसी के सुख में साथ नहीं हो सकते तो दुख में जरूर साथ होइए. फ्यू डेज बैक आई हैड अ कन्वर्सेशन विद लव, और जहाँ पे कुछ चीजें हुई थी, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि इज एवरीथिंग ओके, एंड ही रिप्लाइड मी बैक. तो ये चलता रहेगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा. आई थिंक ये आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर देता है. सो गाइस, आई होप मैंने आपके आंसर्स दे दिए हैं. एंड गाइस, वन मोर थिंग, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको दक्ष व्लॉग्स का YouTube रिवाइंड देखना है. अगर देखना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. सो गाइस, आई वांट टू विश यू हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस. ऐसे ही अमेजिंग रहिए, अमेजिंग चीजें करिए, मजे करिए, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. आपको पता है क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है, शेयर करना है, और चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो घंटी भी बजा देना.